ऑफ रिएक्शन. सो ये केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है. एंड मेरे कॉन्टेक्स्ट या फिर अगर पर्सनल सजेशन अगर कहना चाहो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मॉलिक्युलैरिटी से डिफरेंट है. और उसको पढ़ो, मतलब यू जस्ट हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट द सेम टाइम. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले यही बता देती हूँ मैं, एक रिएक्शन अज्यूम करते हैं एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट एंड वट आर दी सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो सपोज एक रिएक्शन लेते हैं हेबर्स प्रोसेस, सबसे फेमस मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोसेस है ये. तो हेबर्स प्रोसेस लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. तो वो क्या यूज करते हैं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2. एक्चुअली परफेक्टली अगर लिखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा विथ ट्वाइस ऑफ NH3. तो ये है प्रोसेस, बैलेंस्ड है ऑलरेडी. अब अगर इसका मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ तो रेट लॉ के हिसाब से क्या आएगा, रेट इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट N2, यहाँ पे कोई भी स्टोशियोमेट्री नहीं है मतलब 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इन ब्रैकेट H2 टू द पावर 3. स्टोशियोमेट्रीज जो है वो एज इट इज पावर में जाती है. थियोरेटिकली अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये देखो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या कहा जाता है. ऑर्डर का डेफिनेशन है इट इज दी सम ऑफ दी स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम ऑफ द स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स. और रेट लॉ में जो आपका पावर रहता है, पावर टू द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ द पावर ऑफ. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3+1 करके इसका ऑर्डर आना चाहिए था, फोर्थ है ना, फोर्थ ऑर्डर आना चाहिए था ये. बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो हेबर्स प्रोसेस एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है. प्रैक्टिकल अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डर इससे तो नहीं निकल नहीं रहा, डेफिनेशन तो वही है लेकिन ऑर्डर नहीं निकल रहा. तब जाके बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला कि ऑर्डर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऑर्डर का थ्योरी से लेना देना ही नहीं है, ऑर्डर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो पहला पॉइंट, इट इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा तब तक ऑर्डर नहीं निकलेगा, इट इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. सेकेंड थिंग देखो, नोटिस करो, ऑर्डर निकालने के लिए व्हाट वी यूज ओनली द रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स देखो, प्रोडक्ट का तो कोई कुछ भी नहीं रहा. सो इम्पॉर्टेंट हियर वन मोर पॉइंट इज दैट इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट हैज नथिंग टू डू विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो लिखो only dependent on reactants, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ reactants पे depend करेगा. then उसके अलावा अगर बात की जाए तो order of reaction जो है उसके लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ practical concept में सिर्फ एक mathematical calculation नहीं है, आप उसको integral value से भी निकाल सकते हो, differential value से भी निकाल सकते हो. मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो होते तो तीन तरीके, मतलब देयर आर टिपिकली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर, पहले वो बता देती हूँ. एक होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है. सूडो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो समझ में आता है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है. उसमें जब आप उसको रेट लॉ या फिर जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो उसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का व्हाट वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा. बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो दिखाता तो मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि वो बिहेव तो करता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब इट इज ट्राइंग टू रेप्लीकेट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज आइदर सेकेंड और थर्ड, सिंपली ये कह सकते हैं. सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसा कोशिश तो करता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह जाएगा लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह जाता नहीं है. हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं भूल गई, यहाँ पे जीरो भी आएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सूडो ऑर्डर. तो दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम लोग डिफरेंशियल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और इंटीग्रेटेड से भी निकाल सकते हैं. आपके पास दोनों तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए. अब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं इनका कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पर है. यहाँ पर अगर मैं जीरो की बात करूँ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होते हैं जो जनरली बहुत इंस्टेंटेनियसली फॉलो अप होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन, जो क्लोरीनेशन चेन रिएक्शंस होते हैं, चेन रिएक्शंस जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम जनरली क्लोरीनेशन ऑफ एनी एल्केन ग्रुप, तो वो सारे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं. देन अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो होते हैं जो किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन पार्ट ऑफ द रिएक्शन.
देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जो दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, वो रिएजेंट पे भी डिपेंडेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट पे भी डिपेंडेंट होते हैं. इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ. एंड अगर थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन की बात की जाए तो थर्ड ऑर्डर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सो थर्ड ऑर्डर के लिए डिपेंडेंसी से ज्यादा टाइप ऑफ रिएक्शन मैटर करता है. ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ ना, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया. हाँ, सूडो ऑर्डर का एग्जाम्पल देती हूँ. सूडो ऑर्डर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. और ये पता है क्या, सूडो ऑर्डर रिएक्शन ना पूछा जाता है, और इसका या तो आपको एग्जाम्पल दे देंगे और फिर वो पूछेगा कि वेदर इट इज अ सूडो ऑर्डर और नॉट, एंड एक्चुअली प्रूव वेदर इट इज सूडो ऑर्डर और नॉट. सो सूडो ऑर्डर का देखो एग्जाम्पल क्या है. सिंपल है, हाइड्रोलिसिस. बहुत हाइड्रोलिसिस, ईस्टर हाइड्रोलिसिस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. तो पहले एक ईस्टर बनाती हूँ मैं. लेट्स से CH3C(OOC2H5). ठीक है, ये हमारे पास सिंपल ईस्टर है और इसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल दिया है. ठीक है, पानी डालने की वजह से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो प्रोडक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है. CH3C(OOH) प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5OH. यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये वन मोल, देखो हाइड्रोलिसिस का टाइम क्या हो रहा है, अगर आप ये वन मोल यूज कर रहे हो ना, तो इसके एक्चुअली 9 मोल लगने वाले हैं. या फिर आप इसके अगर 10 मोल्स यूज करोगे तो इसके 100 मोल्स, मतलब 99 मोल्स यूज होंगे. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस देखो, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो जहां पर जिस भी रिएक्शन में जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, या फिर वो रिएक्शन में डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ एक ही पे रह जाती है, मतलब इसकी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ सूडो ऑर्डर. अब देखो, दिमाग लगाओ, सिर्फ H2O की क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाला है कि ये मतलब हाइड्रोलिसिस को जाएगा या नहीं जाएगा, बराबर. अब मैंने फर्स्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करते वक्त भी यही बताया कि किसी एक पे डिपेंडेंट रहेगा वो रिएक्शन. लेकिन यहाँ पर एक पे डिपेंडेंसी का मतलब रिएक्शन के स्पीड पे भी होता है. यहाँ पर कोई भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही नहीं है. यहाँ पर सबके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, लेकिन यहाँ पर कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही नहीं है. तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस जो होते हैं वो रेप्लिकेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर से मैच कर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर के जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते. वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अ सूडो ऑर्डर. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इट इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ये याद रहना चाहिए. थियोरेटिकली अगर पूछा भी गया तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्टोइकोमेट्री या फिर जो रेस टू द पावर है ना, यू हैव टू एड दोस. ओके, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ reaction.